Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Fa'an ibn Umar radiyallahu anhu ma qal, akhada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biman kabayya fa qal, kun fi dunya ka annaka gharib aw aabiru sabil. Wa kan ibn Umar radiyallahu anhu ma yaqul, idha amsayta fala tantazir al-sabah, wa idha asbahta fala tantazir al-masa'. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. حمد و صلوات کے بعد آج جو ہمارے ساتھ حدیث ہے بڑی عظیم اور قیمتی حدیث ہے اور اربعین نوویہ کی 40 نمبر کی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر سب سے پہلے ہم تمام انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے कि इंसान दुनिया से ज़्यादा दिल ना लगाए, क्योंकि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है. मोमिन का असल ठिकाना, असल मंजिल तो आखिरत है. और इस बात पर उभारा गया है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी को गनीमत समझते हुए, अल्लाह की तरफ से अमानत समझते हुए, इसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए. और जब तक अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती दी है, बीमारी के आने से पहले इंसान को खूब ज़्यादा अल्लाह की इताअत और बंदगी में अपने आप को लगाना चाहिए. ये हदीस मेरे भाइयों सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है. और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन अबादिल अरबा में से एक हैं जिनकी इस्तिलाह बनी है चार अब्दुल्लाह की, उन्हीं में से एक हैं. और उन सहाबा में से एक हैं जिन सात सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हदीसें रिवायत करने का शर्फ हासिल है, उन्हीं में से एक हैं. और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उन सहाबा में से हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बहुत ज़्यादा शहदाई थे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हद दर्जा इत्तबा करने का जज्बा रखने वाले सहाबी थे. कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोनों कंधों को आकर पकड़ा, और ये भी एक अंदाज है तालीम देने का और अपनी बात की तरफ सामे को मुखातब को मुतवज्जे करने का. कहते हैं कि मेरे कंधों को अल्लाह के नबी सल्लम ने आकर पकड़ा और कहा कि ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये वसीयत अब्दुल्लाह इब्न उमर के साथ खास नहीं है, मुखातब अब्दुल्लाह इब्न उमर है, लेकिन सारी दुनिया के लोग इससे मुखातब हैं. कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीब, आप दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक परदेसी और अजनबी आदमी रहता है. इंसान जब किसी इलाके में जाता है तो वहीं अपना मंजिल नहीं समझता है, बल्कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद वहाँ से चलता बनता है. और कहा या तो आप मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारो, जो रास्ते में चल रहा है, थकावट हुई, आराम किया, चलता बना, वो रास्ते ही को अपनी मंजिल नहीं समझता है, बल्कि अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा रहता है. अल्लाह के नबी की अजीम वसीयत कि आप परदेसी की तरह ज़िंदगी गुजारो या एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारो. और इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अनुमा कहा करते थे कि ए इंसान, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतज़ार मत करो, और जब सुबह करो तो शाम का इंतज़ार ना करो, और अपनी सेहत में बीमारी के लिए कुछ कर लो, और अपनी ज़िंदगी में अपनी मौत के लिए कुछ सामान तैयार कर लो. ये हदीस का तर्जमा है मेरे भाइयों. तो इस हदीस के अंदर सबसे पहले दुनिया के बारे में मुसलमान को ये तालीम दी जा रही है कि दुनिया ये ठहरने की जगह, यहाँ पर हमेशा रहने की जगह ये नहीं है, बल्कि असल ज़िंदगी मुसलमान के लिए तो आखिरत की ज़िंदगी है. जैसा कि अल्लाह फरमाता है وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, आखिरत की ज़िंदगी ही तो हमें इंसान के लिए जाए करार है, दारुल करार है, बाकी रहने की जगह है. बल तुसिरूनल हयात दुनिया بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی زیادہ پائیدار ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, لہذا ایک مسلمان کو اس دنیا کے اندر زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے. البتہ یہ نہیں ہے کہ انسان اب دنیا کی روزی ہی کو چھوڑ دے, دنیا کے جائز اور حلال چیزوں کو اپنے زندگی سے نکال دے, یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ انسان کا اڑھنا بچھونا, ہم و غم, جاگنا سونا دنیا ہی دنیا ہو, ایسی
रगबत इंसान के दिल में दुनिया के ताल्लुक से नहीं होनी चाहिए, बल्कि दुनिया को एक रास्ता समझना चाहिए। इस पर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का असल मकसद नहीं समझना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मुझे दुनिया से क्या रिश्ता, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक है, मैं दुनिया में मैं उस मुसाफिर की तरह हूँ जो किसी दरख्त के नीचे थोड़ा सा आराम करके चलता बनता है अपने रास्ते की तरफ, मंजिल की तरफ। मेरी मिसाल दुनिया की और मेरी मिसाल ऐसे ही है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लम ने दुनिया के ताल्लुक से कहा कि मेरी मिसाल दुनिया में मुसाफिर की तरह है कि वो रास्ते में चल रहा है, थकावट महसूस हुई, थोड़ा सा आराम किया और फिर आगे चलते बनता है और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा रहता है, उसी रास्ते ही को अपनी मंजिल तस्वुर और समझता नहीं है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर आप पढ़ें तो अल्लाह के नबी सल्लम अगर चाहते तो दुनिया की सारी दौलतें अल्लाह आपके कदमों में डाल देता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि दुनिया की हकीकत अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है। दुनिया में तो हम चंद सालों के लिए आए हैं, चंद लम्हे के लिए आए हैं। इसलिए अल्लाह फरमाता इन्नमा हाज़िल हयातु दुनिया मता, ये हयात दुनिया तो ये मताए फानी है, ये फना होने वाला साजो सामान है, ये बाकी रहने वाली चीज नहीं है। इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अल्लाह के नबी को देखा था, आप सोए हुए हैं खजूर की चटाइयों पर, आपके पुश्त पर और आपके साइड पर उसके निशान पड़े हुए हैं, तो अल्लाह के नबी से कहा था कि अल्लाह के सल्लम, क्या आप बरहक नबी नहीं है? आप कैसर व किसरा के बादशाहों को देखें, किस तरीके से वो नाज़ो नेमत में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप अल्लाह ताला से क्यों दुआ नहीं करते कि अल्लाह आपको दे दे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था लहुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा, ये दुनिया तो उन्हीं जैसे लोगों के लिए है, हमारे लिए तो जिंदगी असल आखिरत की जिंदगी है, हमें वहां पर नाज़ो नेमत मिलेगी और अल्लाह की तरफ से आराम व आसाइश का इंतजाम होगा। इसी तरीके से हदीस से हमें यह भी पता चलता है कि इंसान को अपना मुहासबा हमेशा करते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दुनिया से ज्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान हो गए हैं और अल्लाह के हुकूक से बेपरवाह हो गए हैं, लोगों के हुकूक से बेपरवाह हो गए हैं। क्योंकि अगर ऐसी हालत हमारे अंदर हो जाए तो समझ लीजिए कि दुनिया की तरफ हम मायल हो रहे हैं, और अगर अल्लाह के हुकूक को अदा कर रहे हैं, बंदों के हुकूक को अदा कर रहे हैं, दुनिया की हकीकत को समझ रहे हैं, तो याद रखें कि आपका मैलान और आपका झुकाव इबादत की तरफ होगा और आप आखिरत की तरफ आप जाएंगे। इसी तरीके से इस हदीस से यह भी पता चलता है कि मौत से इंसान को पहले अपनी जिंदगी को गनीमत समझना चाहिए, क्योंकि मौत आने के बाद इंसान कोई अमल नहीं कर सकता है। इदा मात अल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, इंसान जब मर जाएगा तो उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इसलिए जिंदगी जब तक है इंसान को इसे गनीमत समझते हुए अल्लाह की इबादत में, अल्लाह को खुश करने में, अल्लाह की बंदगी करने में, अल्लाह के दीन की तबलीग में इंसान को अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। और याद रखें कि मरने के बाद इंसान को कोई मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने तो ये जिक्र किया है कि इंसान के बाद जब मौत आती है और मरने के बाद जब वो वहां जाकर देखता है कि सामने कुछ नहीं है, तो अल्लाह से ये उम्मीदें करता है रब्बिरजिउनी लअल्ली आमलु सालिहा फीमा लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक, इंसान कहता है कि मौला मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं बहुत नेक अमल करूंगा, तो क्या कहा जाएगा? कल्ला, ये ऐसा नहीं हो सकता, इन्ना कलिमतुन हुआ काइलुहा, ऐसी बातें इंसान करने वाला ही था। और अगर दोबारा भेज भी दिया जाएगा तो दुनिया की रानाइयों में, जेब वजूलत में इंसान फिर उलझ कर रह जाएगा और अल्लाह की बंदगी को भूल जाएगा। तो ये जिंदगी अल्लाह ताला ने जो हमको दी है ये एक बार, फर्स्ट और लास्ट, ये बार बार नहीं मिलने वाली है। ये मुसलमान का अकीदा है कि मुसलमान को जिंदगी एक बार मिली है और मौत दुनिया में जब आएगी तो फिर दोबारा इंसान को दुनिया की तरफ वापस होने का मौका नहीं दिया जाएगा। लाख वो तमन्ना कर ले, लाख अल्लाह से उम्मीदें लगा ले, उसको दोबारा दुनिया में आने का मौका नहीं दिया जाएगा। और मेरे भाइयों याद रखें, उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, यह हदीस में बताया गया है कि इंसान अपनी सेहत को भी गनीमत समझे, क्योंकि इंसान अपनी तंदुरुस्ती में, सेहत में ताकत और कुव्वत है, तो जो आमाल अंजाम दे सकता है बीमारी के अयाम में वो काम नहीं कर सकता है। इंसान सेहत तंदुरुस्ती है, नफली रोजे रख सकता है, नफली इबादतें ज्यादा ज्यादा कर सकता है,
इंसान अभी कमा रहा है, सदका खैरात कर सकता है, लेकिन जब बीमार हो जाएगा तो ना कमा सकता है, ना सही से खड़ा हो सकता है और ना ही बहुत सारे आमाल अंजाम दे सकता है बीमारी की हालत में। लेकिन हमें ये खुश होना चाहिए कि जो इंसान अल्लाह की खातिर कोई काम करता है और बीमारी की वजह से नहीं कर पा रहा है तो अल्लाह ताला उसे अज्र देता रहेगा, क्योंकि हदीस है कि बंदा जब अपनी सेहत की हालत में और अपने घर में मौजूद रहने की हालत में नेकियां कर रहा है, सफर की वजह से या बीमारी की वजह से रुकावट बन गया तो अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में नेकियों का सिलसिला जारी रखता है, उसे अज्र अल्लाह ताला देते रहता है, उसे अल्लाह ताला अज्र और सवाब से महरूम नहीं करता है। इसी तरीके से मेरे भाइयों कि इस हदीस से यह भी पता चला कि इंसान को अपनी जिंदगी और अपने मौत को, अपनी जिंदगी और अपनी सेहत को गनीमत समझते हुए इसे कभी भी जाये नहीं करना चाहिए और इसे अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की बंदगी में लगाते हुए अल्लाह को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके से इस हदीस से यह भी पता चला कि एक मुसलमान को कसरत से अपना ताल्लुक आखिरत से जोड़ना चाहिए, दुनिया से उतना ही रगबत रखे जितना कि इंसान का काम चल जाए। जिस तरह इंसान सफर करता है तो उतना ही सामान घर से ले जाता है जितना उसे रास्ते में जरूरत पड़ती है ताकि बोझ उसके ऊपर ना हो। इसीलिए इंसान को ये तस्वीर दिया गया, मिसाल देकर समझाया गया है कि इंसान ऐसे ही दुनिया से सामान हासिल करे, दुनिया से उतना ही ताल्लुक रखे जितना उसका काम चल जाए। और इस हदीस से यह भी पता चला कि ये दुनिया आखिरत के लिए सफर है, ये रास्ता है आखिरत के लिए, ये खेती है आखिरत के लिए। आप सफर में जिस कदर तैयारी करेंगे उस कदर आपको आसानियां मिलेंगी और आप आराम से अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी नाकिश है, आपकी तैयारी बेकार है, बेतरतीब है, तो आपको मंजिल तक पहुंचने में बड़ी दुश्वारियां होंगी और मंजिल पर पहुंचने के बाद बहुत सारे तकालीफ का, मसाइल का, मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। तो हमें इस हदीस से मुख्तसरन ये मालूम हुआ कि इंसान को बेजा और अल्लाह की इताअत और बंदगी को दांव पर रखकर दुनिया के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, हलाल और जायज रोजी हासिल करें और दुनिया में ज्यादा दिल ना लगाएं। इंसान का हम्मो गम, उड़ना बिछोना, रात दिन दुनिया ही दुनिया, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान की असल जिंदगी तो आखिरत की है और आखिरत में ही इंसान को असल आराम मिलेगा। वहां की नेमतें मिलने के बाद दुनिया की सारी परेशानियां इंसान भूल जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि मौला हमें दुनिया में उतना ही दिल लगाने की तौफीक दे जिससे हमारा दुनिया में गुजारा हो जाए और आखिरत के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करने की, नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीयिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।